अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी सेंटेंस को किस तरह से ला कर सकते हैं ताकि कोई भी इसमें चेंजेस ना करे और ना डिलीट कर सके। तो फिक्र ना करे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किसी भी सेंटेंस को किस तरह से ला कर सकते हो। तो मैंने वर्ड फाइल में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं इसको ला करूँगा। फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज रिबन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन आप देख सकते हो, इसको मैं चिक कर देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि कोई भी इसमें चेंजेस ना करे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन आप देख सकते हो, उस पर मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप। अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, आप देख सकते हो चेंजेस यहाँ पर नहीं होता, बैक स्पेस ना रिमूव होता है और ना डिलीट बटन काम करता है। और नीचे यहाँ इसको रिमूव कर लेता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा और ऊपर वाला रिमूव नहीं होता क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ग्रुप में अनग्रुप, अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ तो रिमूव हो जाएगा। अगेन इसको लॉक कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल और यहाँ पर ग्रुप, तो ये रिमूव नहीं होता। तो आप लोग इसी तरह आसानी से एमएस वर्ड में किसी भी सेंटेंस को ला कर सकते हैं।